नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर डालते हैं आज की देश विदेश की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में फिर शुरू हुए प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का किया घेराव। दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी ने ईरान को लेकर किया विस्फोटक दावा, पाकिस्तान का भी हुआ जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप को मिला किस्मत का साथ, खराबी के बाद प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। रूस में घुसे यूक्रेनी सैनिक तो अमेरिका भी हुआ एक्टिव, कर दिया बड़ी मदद का ऐलान। ब्राजील गोल गोल घूमकर खिलौने की तरह ऊपर से नीचे आ गिरा प्लेन, 61 लोगों की गई जान। गाजा के स्कूल पर इसराइल का हवाई हमला, 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे। पहलवानों की बदौलत हमें और भी गर्व हुआ, रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल आने पर पीएम ने इस तरह जताई खुशी, सहरावत को दी बधाई। पीएम मोदी ने वायनाड के लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। क्या एससी एसटी आरक्षण में लागू होगा क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अपना रुख किया साफ। मुंबई हिट एंड रन केस, आरोपी मिहिर शाह की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई सामने, पुलिस को लगा बड़ा झटका। यूपी बाबा के भेष में आधा दर्जन युवक, ग्रामीणों ने लात घूंसे और चप्पलों से पीटा, सामने आई सभी की पहचान। रिहाई के बाद एक्टिव हुए मनीष सिसोदिया, आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शरद पवार से मिले महायुति से नाराज बच्चू कड़ू, सुप्रिया सूले भी हुई शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर बजेगी जल्द शहनाई, बेटे अभिषेक ने आईएएस अफसर से की सगाई। मैं पाक साफ हूं, विपक्ष के चालों में नहीं फंसूंगा, सीएम सिद्धरामैया। एससी एसटी फंड को गारंटी के लिए डाइवर्ट करने पर दलितों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। कर्नाटका की विशेष अदालत मूड़ा घोटाले में सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ याचिका पर 13 अगस्त को आदेश करेगी। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए सीएसआर फंड की क्षमता पर जोर दिया। कर्नाटका सरकार के भर्ती अभियान पर फंड की कमी का असर। सिद्धार्थ मल्होत्रा का मॉडल ने पकड़ा कॉलर, अपनी ओर खींच कर देने लगी पोज, मच गया हल्ला। सास को देख इमोशनल फराह खान, पैर छू कर किया स्वागत, बोली एक ही मां बची। अरशद नदीम की वो बधाई देते समय बाबर आजम से हुई बड़ी गलती, फैंस ने लगा दी क्लास। इंदिरा गांधी के बाद अब अभिनव बिंद्रा की बारी, 41 साल बाद किसी भारतीय को मिलेगा ओलंपिक का खास अवार्ड। दुनिया में जियो पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद सोने के भाव में तेजी नहीं, क्या और सस्ता होगा गोल्ड। हिंडनबर्ग अब किस पर फोड़ेगा बम, एक्स पर पोस्ट कर दी चेतावनी। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।